लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। गौरव वल्लभ ने दिया पार्टी से इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गौरव ने इस्तीफा देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष को एक लंबी चौड़ी चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने कहा कि जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तब की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। गौरव वल्लभ ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी राह भटक गई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से मैं पार्टी में कोई सही स्टैंड नहीं ले पा रहा हूँ। पार्टी में बौद्धिक और नए आइडिया वाले युवाओं की कद्र नहीं हो रही है। पार्टी ग्राउंड लेवल पर किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रही है। इसी सब बातों से हताश होकर गौरव वल्लभ ने इस्तीफा दे दिया है। मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता, राम और सनातन का अपमान नहीं सह सकता। गौरव वल्लभ ने चिट्ठी में आगे लिखा कि वो अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ना जाने के लिए कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से भी काफी खफा थे। उन्होंने कहा कि वो जन्म से हिंदू और शिक्षक हैं, राम का अपमान नहीं सह सकते। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ नेता सनातन के विरोध में बोलते हैं और पार्टी का उस पर चुप रहना उसे मौन स्वीकृति देने जैसा है। गौरव वल्लभ ने कहा कि जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी तो तब मेरा मानना था कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। यहाँ पर युवा और बौद्धिक लोगों के आइडिया की कद्र होती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मुझे यह महसूस हुआ कि पार्टी का मौजूदा स्वरूप नए आइडिया वाले युवाओं के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती। गौरव वल्लभ ने सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे इस्तीफे की फोटो शेयर पोस्ट कर लिखा, कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उससे मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा। मैं सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकता। इस कारण मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने खड़गे को भेजे इस्तीफा लेटर में लिखा कि भावुक हूँ और मन व्यथित है। काफी कुछ कहना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरे संस्कार ऐसा कुछ भी कहने से मना करते हैं। फिर भी मैं आज अपनी बातों को आपके समक्ष रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सच को छुपाना भी अपराध है। ऐसे में मैं अपराध का भागी नहीं बनना चाहता। गौरव वल्लभ ने राम मंदिर का किया जिक्र, पार्टी से हताश होकर बीजेपी में हुए शामिल। गौरव वल्लभ ने कहा कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कांग्रेस के रुख से मैं क्षुब्ध हूँ। मैं जन्म से हिंदू और कर्म से शिक्षक हूँ। पार्टी के इस स्टैंड ने मुझे हमेशा असहज किया। पार्टी और गठबंधन से जुड़े कई लोग सनातन के विरोध में बोलते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सुबह ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखकर इस्तीफा दिया था। गौरव ने खड़गे से कहा था कि वो ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। इसी वजह से पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। 24 घंटे में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह कल ही कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं आज कांग्रेस के बड़े नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। गौरव वल्लभ भी आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। गौरव वल्लभ और बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा, आरजेडी उपेंद्र प्रसाद को विनोद तावड़े ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बता दें कि गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा कि वे सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते, ऐसे में पार्टी में बने रहना मुश्किल है। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में कई दिग्गज नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। पार्टी को इससे काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस नुकसान से उभरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एन भारत।